सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल AFCI को और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल AFCI। मैं अर्जुन और आज मैं आप लोगों के लिए GK की एक ट्रिक लेके आया हूँ जिससे आप लोगों को बहुत सारे पॉइंट याद हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज हम याद करने वाले हैं कि केंद्र सरकार द्वारा कौन कौन से कर लगाए जाते हैं। तो बहुत सिंपल ट्रिक है, इसलिए वीडियो को आखिरी तक देखें, ट्रिक आ जाएगी आप लोगों को, तो आप लोगों को बहुत सारे कर एक साथ याद हो जाएंगे। तो जो हमारी ट्रिक है वो ये है, हमें याद करना है कि पास आने से उसी के आए बाहर। सिंपल सी ट्रिक है। तो इस ट्रिक में हमें हमारे जो शब्द हैं उनसे कौन कौन से कर बनेंगे वो ऐसे हैं, जैसे सबसे पहले है पास, इसमें है पास से हो जाएगा पूंजी कर, सा से हो जाएगा संपत्ति कर, फिर आने, इससे हो जाएगा आ से हो जाएगा आस्ती कर, और ने से हो जाएगा निगम कर, फिर है से हो जाएगा सेवा कर, फिर है उसी के, तो ओ से हो जाएगा उत्पाद शुल्क, और सी से हो जाएगा सीमा कर, के से हो जाएगा केंद्रीय बिक्री कर, फिर आय में दोनों शब्दों से मिलके बनेगा आयकर, बाहर में बा से हो जाएगा ब्याज कर, और हार से हो जाएगा उपहार कर। तो दोस्तों, काफ़ी सिंपल ट्रिक है, हमें कितने मतलब इस एक ट्रिक से हमें कितने कर याद हो रहे हैं, 10। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और इसके बाद मैं राज्य सरकार वाले कर की भी ट्रिक डालूँगा, तो प्लीज़ नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और प्लीज़ वीडियो को शेयर करें।